नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कितना भी पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द या गठिया का दर्द हो जाएगा जड़ से खत्म इस नुस्खे के प्रयोग से। दोस्तों, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गठिया का दर्द आज की डेट में सबसे बड़ी आम समस्या बन गई है। हर तीसरा व्यक्ति इस दर्द से परेशान है और दोस्तों ये दर्द बहुत अधिक खतरनाक है क्योंकि इससे हमारा चलना फिरना, उठना बैठना भी दोबर हो जाता है और हम लाठी डंडे के मोहताज हो जाते हैं। हमारा चलना फिरना भी जहाँ भी जाना हो हम सही तरीके से नहीं चल पाते और हमें उठते बैठते इस दर्द का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस दर्द को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको ये दर्द होता है, नहीं तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसको कितनी परेशानी होती है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो नुस्खा लेकर आए हैं वो आपका चाहे दर्द जोड़ों का दर्द हो या घुटनों का दर्द हो या गठिया का दर्द हो या फिर कमर का ही दर्द क्यों न हो, वो कितना भी पुराना हो, चाहे आपको दर्द 20 साल से हो या फिर 25 साल से हो, अगर इस नुस्खे का प्रयोग वो व्यक्ति करता है तो वो भी चलने फिरने लगेगा, उसको कभी इस जोड़ों के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द और गठिया के दर्द को खत्म करने वाले इस नुस्खे को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में। आवश्यक सामग्री: सरसों का तेल, दूसरा अजवाइन और तीसरा लहसुन। अब जानते हैं नुस्खे को बनाने और उपयोग करने का तरीका। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक लोहे की कढ़ाई चाहिए। उस लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर अपनी जरूरत के अनुसार और उसको आग पर गर्म करने के लिए रख दें। जब आपका तेल हल्का गर्म हो जाए तब उसमें अजवाइन और लहसुन की कलियों को काट कर डाल दें और उनको तब तक पकाएं जब तक कि अजवाइन और लहसुन की कलियां काली न पड़ जाएं। जब अच्छी तरह से वो काली पड़ जाएं तब इस तेल को आग से उतार लें और इसको छानकर किसी कांच की बोतल में भर लें। तो दोस्तों, आपके दर्द को हरने वाला तेल तैयार है बनकर। अब जानते हैं इसके प्रयोग का तरीका। दोस्तों, आपके शरीर में जहां भी आपको दर्द हो, किसी भी जोड़ में दर्द हो, किसी भी घुटने में दर्द हो या कमर में दर्द हो या गठिया का दर्द ही क्यों न हो, जहां पर भी आपको दर्द हो वहां पर आपको इस तेल की मालिश करनी है। और दोस्तों, जैसे ही आप मालिश करेंगे मिनटों में ही आपको फर्क दिखाई देगा। हाँ, इस तेल की मालिश करने के बाद आपको जहां भी मालिश करनी है वहां पर ढक लेना है गर्म कपड़े की सहायता से, ताकि इस तेल की मालिश का पूरा आराम आपको मिले। आप गर्म पट्टे भी वहां बांध सकते हैं या पैरों पे मालिश करते हैं तो वहां मोजे पहन सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जो दर्द है वो छूमंतर की तरह गायब हो जाएगा और आपको कभी भी इस दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी आपको दर्द हो तो आप इस नुस्खे को आजमाएं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि इस तेल की मालिश करने के 1 घंटे तक आपको ठंडे पानी का सेवन नहीं करना है, नहीं तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप भी घर पर इस तेल को बनाएं और अपने लिए फायदा उठाएं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी इस आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।